आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर योगीराज मिश्रा और आज हम एक औषधीय पादप या एक औषधीय वृक्ष की पहचान और उसके बारे में जानकारियां प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चंदन, जिसे सामान्य भाषा में चंदन तथा आयुर्वेदिक भाषा में श्वेत चंदन या पीत चंदन भी कहते हैं। इसका बॉटेनिकल नेम है सेंटेलम एल्बम और तथा इसकी फैमिली है सेंटेलेसी। यह भारत का मूल निवासी तथा एक बहुवर्षीय पादप होता है जो कि करीब 18 से 20 वर्ष की आयु में पूरी तरह से मैच्योर होता है। इसकी जो लकड़ी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, हल्की भूरी और लाल रंग की लकड़ी होती है। अभी ये जो पौधा है ये छोटा है, अभी इसकी आयु ज़्यादा नहीं है। इसके जो पत्र हैं वो लटवाकार तथा होते हैं तथा बीच में इसके पौधे के पत्रों के बीच के अंदर ये उपपत्रक मिलते हैं। ये इसकी एक विशेषता है तथा ये विषम एक क्रम के अंदर इसके पत्र व्यवस्थित होते हैं। ये इस पौधे की विशेषता है। काफी बड़ा वृक्ष रहता है। आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है। इसका जो मुख्य कर्म है वो है दाह प्रशमन करना। इसका जो प्रयोज्य अंग होता है, इसका प्रयोज्य अंग होता है इसकी हार्टवुड या काष्ठसार। काष्ठसार को डेवलप होने में, जैसा कि मैंने बताया, करीब 18 से 20 साल लगते हैं। उसके बाद में इस पेड़ को काट करके इसकी सॉफ्टवुड और बाहर की छाल को हटा दिया जाता है तथा इसकी काष्ठवुड के टुकड़े करके यूज़ में लिया जाता है, चूर्ण में, क्वाथ में, फांट में, अवलेह में तथा इसके ऑयल प्रिपरेशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। आसावृष्ट बनाने में भी इसका यूज़ लिया जाता है। इस जो वृक्ष है, चंदन के वृक्ष के गुणकर्म होते हैं कि इसका जो रस है वह तिक्त रस प्रधान होता है, स्वाद में कड़वा होता है। इसके गुण रूक्ष और लघु होते हैं। शीत वीर्य का ये पादप है और शीत वीर्य का होने की वजह से यह सभी प्रकार के पैतिक विकारों में यथा रक्तपित्त, ज्वर, दाह आदि में कार्य आता है। जैसा मैंने पहले बताया कि इसका मुख्य कर्म दाह प्रशमन करना है। इसके अलावा ये सभी पित्त विकारों, कफ विकारों में कार्यकर होता है, रक्त का प्रसादन करता है। अतः ये रक्त विकारों में जैसे कि फोड़े, फुंसी, दाद, खाज, खुजली आदि में भी बहुत कारगर होता है। यह साथ में इसका जो एक मुख्य कर्म होता है, यह विषग्न है और मूत्रल है। तो विषग्न होने की वजह से बॉडी में जितनी प्रकार की टॉक्सिसिटी होती है उस टॉक्सिक इफेक्ट को ये न्यूट्रलाइज करता है। मूत्रल होने की वजह से ये यूरिनरी ब्लैडर पे एक्ट करता है और मूत्र की मात्रा को बढ़ाता है तथा मूत्राशय का शोधन भी करता है। इस वजह से ये बहुत सारी बीमारियों जैसे कि UTI इन्फेक्शन, महिलाओं के अंदर श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर अधिक मात्रा में होना, महावारी की समस्याएं, मतलब सुजाक या जेनाइटल डिसऑर्डर्स, उनमें ये बहुत अच्छी तरह से कार्य करता है। श्वेत चंदन का एक प्रयोग किया जाता है मूत्रकृच्छ या मूत्रदाह की अवस्था में भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है। वस्ति शोधन के लिए भी इसका बहुत अच्छे से प्रयोग किया जाता है। यह मानसिक तनाव की शांति के साथ साथ इसकी एंटी माइक्रोबाइल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। चंदन का जो तेल होता है उसका उत्सर्जन मूत्र मार्ग से और फेफड़ों के द्वारा होता है और जब इसका उत्सर्जन होता है तब इसकी क्रियाविधि अधिक बढ़ जाती है। इस क्रियाविधि के अधिक बढ़ने के कारण से इसका एंटी माइक्रोबायल इफेक्ट इसके उत्सर्जन के समय पे होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक चंदन का पेड़ है। इसके बाद में ये सामने की तरफ दो चंदन, श्वेत चंदन के वृक्ष और लगे हुए हैं। इसके प्रयोग करने का जो तरीका होता है वह इसकी काष्ठ को या इसके जो हार्टवुड है उसको कूट करके इसका चूर्ण बना के या फिर चूर्ण के रूप में, क्वाथ के रूप में, फांट बना करके या फिर अवलेह, आसावरिष्ट आदि बना करके या फिर बाह्य प्रयोग में इसका लेप भी किया जाता है। दाह शांति के लिए और फोड़े, फुंसी या चर्म रोगों की शांति के लिए इसका लेप का भी प्रयोग किया जाता है तथा इसके तेल का भी प्रयोग किया जाता है। गोनोरिया की कंडीशन में, गोनोरिया एक डिजीज़ होती है, उसमें इसके तेल की करीब 5 से 10 बूंदें प्रतिदिन दी जाती हैं जब तक कि रोग ठीक नहीं हो जाता। इससे बहुत जल्दी रोग में लाभ होता है।
इस पौधे के औषधीय प्रयोगों के साथ साथ इसका वाणिज्यिक प्रयोग या बिजनेस के तौर पे भी इसका बहुत महत्व है, क्योंकि इसकी जो लकड़ी है वो काफ़ी महंगी बिकती है। अतः किसान इसको खेती के रूप में भी प्रयोग में ले सकते हैं कि इसकी खेती करें और इसकी लकड़ी का व्यापार करें। वैसे उत्तर भारत में ये थोड़ा कम पाया जाता है, दक्षिण भारत में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो साथियों, इस वीडियो में हमने चंदन के वृक्ष की पहचान तथा उसके औषधीय गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।